हमीरपुर जिला में विधानसभा चुनावों में भीतर घातियों पर निष्कासन की तलवार लटक गई है और जिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्षों की रिपोर्ट पर निष्कासन के लिए कार्रवाई करने के मूड में जुट गई है। वहीं 28 नवंबर को शिमला में होने वाली प्रदेश स्तरीय मंथन बैठक में भी निष्कासन पर मोहर लग सकती है, जिससे हमीरपुर जिला में भी आधा दर्जन भीतर घातियों पर गाज गिर जाएगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा कि चुनावों में भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ काम करने वाले कांग्रेस नेताओं को निष्कासन होना तय है और हाईकमान के फैसले के बाद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को होने वाली प्रदेश स्तरीय बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। जहां तक चुनावों की बात थी और चुनावों के माध्यम में जिन लोगों ने जो लोग पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके गेस्ट खड़े हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई पहले से ही प्रदेश हाईकमान ने कर दी है और अभी जो कुछ ब्लॉकों से जैसे बरसर ब्लॉक से भी एक ऐसी प्रस्ताव पारित होकर आया है कि कुछ लोगों ने प्रत्याशी के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ कार्य किया है, तो उस प्रस्ताव का को हम प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष भेज रहे हैं और हाईकमान उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगी वो उनका फैसला है और वो उन्होंने ही फैसला लेना है। जिन्हें प्रदेश कार्यकारिणी और जिसमें ब्लॉक जिला अध्यक्षों को भी बुलाया है, ब्लॉक अध्यक्षों को भी बुलाया गया है और जो भी चुनावों में किस तरह से संगठन ने काम किया गया है उसके ऊपर भी चर्चा होगी और किन किन लोगों ने किस किस अपनी जिम्मेवारी किस तरह से निभाया उनके उनकी सारी की सारी जो है चर्चा और रिपोर्ट जो है वो प्रदेश अध्यक्ष जी 28 तारीख जो संभावित बैठक है उसमें चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि विधानसभा क्षेत्र बरसर की कांग्रेस कमेटी ने डोगरा दंपति को पार्टी से 6 साल से निष्कासन की सिफारिश की है। ब्लॉक कांग्रेस बरसर व बिजड़ी की चुनाव समीक्षा की संयुक्त बैठक में दोनों के निष्कासन का प्रस्ताव पारित किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक मंजीत सिंह डोगरा तथा उनकी पत्नी एवं जिला परिषद सदस्य अरविंदर कौर डोगरा पर भीतरघात का आरोप लगाते हुए गाज गिराई है। वहीं चुनावों से पूर्व भी हमीरपुर से आजाद चुनाव लड़ रहे कांग्रेसी नेता कमल पठानिया, सुजानपुर से एडवोकेट सुरेश राणा और नदौन से आत्मा राम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है।